तो आज मैं करने जा रहा हूँ एक ज़ॉम्बी विलेजर को नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का माइनक्राफ्ट के वन ब्लॉक प्लस स्काई ब्लॉक के गेम प्ले ऑडियो में। तो जैसा कि यार ये मेरा वर्ल्ड बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई विलेजर हमारे वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट करता। और आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे वर्ल्ड में कितना सारा वन ब्लॉक है। हाँ भाई, बहुत सारा वन ब्लॉक है, लेकिन वन ब्लॉक में होता है सिंपल ही क्या भाई। अगर आप लोग वन ब्लॉक को माइन कर रहे तो उससे ना विलेजर स्पॉन होते हैं या विलेजर का एग मिलता है, जिससे मैं विलेजर को स्पॉन कर सकता था। लेकिन नहीं, अभी तक मेरे को विलेजर का एग मिला है और नहीं अभी तक विलेजर स्पॉन हुआ है। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, रात होने का इंतजार, और रात में जो भी विलेजर स्पॉन होंगे तो उसको मैं अपने पीछे लाऊंगा और उसको नॉर्मल विलेजर बना दूंगा। और जो भी विलेजर को नॉर्मल विलेजर बनाने के लिए हमको चाहिए होगा पोशन और गोल्डन एप्पल। लेकिन भाई मेरे पास पोशन नहीं है, लेकिन मेरे को पोशन बनाना है सबसे पहले। और लेकिन उससे पहले यार मेरे को बोतल बनाना है, ग्लास बोतल, जिसमें यार हमारा पोशन आएगा। और ये रहा ग्लास जो हमारा स्मेल्ट हो चुका है, और यहाँ से हम अपना बोतल बना लेते हैं। और बोतल में मेरे को भरना है पानी, जो मैं अपने फार्म से यार भर लेता हूँ फटाफट। और अब बारी यार पोशन बनाने का, चलते यार ब्रूइंग स्टैंड के पास और अपना पोशन बनाते हैं। और पोशन बनाने के लिए ना सबसे पहले मेरे को ना इस तीनों जगह यार मेरे को वाटर बोतल डालना है, तो इसको डाल देते फटाफट। और इसके बीच में डालते यार फर्मेंटेड स्पाइडर आई, और ये पोशन हमारा कंप्लीट होने वाला है। और अब इसके बीच में डालना है मेरे को ना गन पाउडर, और अब थोड़ी ही देर में हमारा पोशन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद भाई अभी तो शाम भी होने वाली है, और उसके बाद मैं ज़ॉम्बी विलेजर को ढूंढूंगा और उसको बुलाऊंगा अपने पीछे पीछे, और किसी जगह स्टक करके ये पोशन मारकर गोल्डन एप्पल खिलाकर उसको नॉर्मल विलेजर बना दूंगा। और ये हमारा पोशन स्प्लेस पोशन ऑफ वीकनेस हमारा बन चुका है, और इसको मैंने डाल दिया अपने झोली में। और अब चलते यार फटाफट यार ज़ॉम्बी विलेजर को फाइंड करते हैं। लेकिन भाई ज़ॉम्बी विलेजर मेरे को मिलेगा यार अंधेरी वाली जगह पे, जहाँ पे यार मॉब स्पॉन होते हैं। तो मेरा यार सबसे अंधेरी वाली जगह ये पेड़ वाला जगह है, हाँ मेरा जंगल। इसमें यार तरह तरह के मॉब स्पॉन होते ही रहते हैं। तो ये देखो भाई ज़ॉम्बी बहुत सारा स्पॉन हुआ है, और स्पाइडर भी, लेकिन अभी तक मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर देखने को नहीं मिला। तब जब तक यार वो नहीं मिलता, जब तक इन सबको मारकर अपना एक्सपी भरा लिया जाए। और भाई आजा आजा सारे के सारे आजा यार। और भाई मैंने यार थोड़ा देर इंतजार किया, और इधर क्रीपर भी फटा था, लेकिन अभी तक यार मेरे को ज़ॉम्बी भी, और यार ये रहा सामने ना, लेकिन यार ये क्रीपर को मैं मारूंगा यार, ये कहीं भी फट जाता है। तू पहले मर 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 मर, अबे लेकिन कोई नहीं यार, ये तो मर गया लेकिन हमारा विलेजर नहीं मरा ना। और मेरे को यार इन दोनों को क्योर करना है, और जल्दी आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। और ये देखो भाई यहाँ पे गड्ढा है और मैं फंस गया, मैं जानता था यार, जंप लगाया लेकिन कोई फायदा नहीं। और भाई अबे यार मार, मेरे को मत मार यार, मैं तेरे को ठीक करने वाला हूँ। और तुम्हारा भैया कहाँ गया? अरे एक भैया तो आ रहे। और रुको रुको यार, तू इधर क्या कर रहा है? तू मेरे साथ चलना, जल्दी आ जाओ यार, कुछ भी कर रहे हो। और यहाँ पे फंसना मत, कोई फंसना नहीं, सही से आओ सही से आओ, और मेरे को थोड़ा मार लो लेकिन सही से आना। हाँ तू सर, अरे भाई तुम्हारा छोटका भैया फंस गया उधर, लेकिन कोई नहीं यार निकल गया उधर से। और आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। रुको रुको इधर मेरे को स्टक करना है इसको, मैं डॉट में स्टक करूँगा इसको। लेकिन 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 यार ये तो आ रहा है, इसका छोटका भैया कहाँ रह गया? अबे यार मेरे पास नेम टैग ही नहीं है, और ये रिस्पॉन हो जाएंगे तो मेरा भी। आ जाओ अभी रिस्पॉन नहीं हुआ ये, आ जाओ सही से आओ, आ जाओ आ जाओ भाई सही है। और भाई तू मेरे को बीच में मारना देना यार, देखो भाई मैं तुम दोनों को ठीक करने वाला हूँ, और ठीक हो जाओगे तो मुझसे यार दोस्ती कर लोगे। लेकिन अब रुको रुको रुको, यहाँ पे डट लगाकर थोड़ा ऊंचाई बना लेते हैं। अबे यार तुम दोनों यहाँ पे रुक क्यों गए? जल्दी आओ आओ आओ, रुको इसको फंसाना पड़ेगा मेरे को ट्रैप में। और भाई अभी सुबह भी होने वाली है, और भाई धूप लगेगी तो ये सब मरेंगे। लेकिन इसके ऊपर मैं पहले छांव कर देता हूँ। अबे भाई अबे यार ये मैंने क्या किया, फास्ट मेरे को करना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं यार, फटाफट डट लगाते। अबे यार ये मैंने क्या कर, अबे लगा ना शौक यार। रुको रुको रुको, अब ये रिस्पॉन नहीं होंगे तो आ जाओ आ जाओ, अभी सुबह होने वाली है, जल जाओगे, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। रुको रुको रुको, मैं इसको यार अपने घर में ही फंसा देता हूँ ट्रैप में। और आ जाओ, अबे रुको 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 यार, मैं किस जगह पे चढ़ गया? अबे सीढ़ी पे चढ़ो ना, और आ जाओ तुम तो सीढ़ी पे चढ़ोगे नहीं मैं जानता हूँ। और इधर ये डट लगाओ, और आराम से तुमको मैंने ट्रैप में फंसा दिया है, और अब तो मज़ा आएगा ना वीडियो। अबे अबे भाई भाई अभी नहीं मरने वाला हूँ, इतना कम हार्ट नहीं है मेरा। और आ जा, अरे तू चलाकर लग रहा है मेरे को, और एक डट और लगाऊंगा मैं यार, बहुत चलाक लग रहा है ये मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर। और अब मैं तुम पे पोशन मारूंगा यार, टेंशन मत लो। और भाई इसको तो पोशन इधर के साइड से मारेंगे तो नहीं लगेगा पोशन। और अबे रुको रुको रुको, मैं दूसरी साइड से इसके ऊपर मैं पोशन मारता हूँ, और ज़ॉम्बी विलेजर से नॉर्मल विलेजर बनाता हूँ। तो यहाँ से डट मैंने तोड़ दिया,
और ताको भैया इधर ताको, और ये पोषण रहा, और अब तुम पे ये लो, और अब सही से सही हो जाना तुम, ये लो, और अब तुमको मेरे को गोल्डन एप्पल खिलाना पड़ेगा, और ये लो गोल्डन एप्पल और खाओ और ठीक हो जाओ। तो भाई इसके लिए मेरे को ना 2-4 मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और भाई ये जॉम्बी विलेजर्स फाइनली यार एक नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट हो चुका है, और ये ट्रीट सस्ता दे रहा है भाई साहब। और भाई नॉर्मल विलेजर से तो सस्ता ही दे रहा है, और मैंने इसको ठीक किया इसके कारण ये सस्ता दे रहा है। तो दोस्तों मैंने इसी प्रकार 2 और विलेजर को नॉर्मल बना लिया है, और ये इसे भी ट्रेडिंग सस्ता ही देगा मेरे को। और भाई मैं ऊपर से बेकूफ हूँ यार, तोड़कर अंदर आ गया, और मेरे को इधर से निकलना है, और जैसे मैं रास्ता क्लियर करूंगा ये भी भागने लगेगा, और इसको मैं भागने नहीं दूंगा क्योंकि मैं इधर इसको अभी स्टक करके रखने वाला हूँ। जब तक यार विलेजर का जनसंख्या ज़्यादा नहीं हो जाता जब तक मेरे को रिस्क लेने का नहीं। और अब चलते यार अपने फार्म का हाल देख लेते हैं, और फार्म में तो हमारा फसल यार इतना बड़ा बड़ा हो चुका होगा, इतना बड़ा बड़ा हो चुका होगा किसी ने सोची नहीं होगी। और भाई साहब ये देखो हमारा प्यारा सा घोड़ा, और भाई इधर के साइड हमारे फार्म में हो चुका है हमारा फसल बड़ा, और इधर के साइड जो आपको घास दिख रहा है मैंने इधर के साइड मार दिया था बोनविल, जिससे घास भी हो गया था, और इधर फूल लगा दिया था प्यारा प्यारा सा। और भाई ये तरबूज और पम्पकिन देखने में कितना प्यारा लग रहा है। और भाई ये देखो भाई पूरा फार्म भरा है हमारे इस सिप से, लेकिन यार इस बीच ना यार यहाँ पे एक क्रीपर फटा था, और भाई उसके कारण ना इसमें यार बहुत सारा एन्चेंटेड बुक था जो हमारा नष्ट हो चुका है यार, नीचे गिर चुका है। और भाई ये देखो मेरा एक्सपी कम लग रहा है, लेकिन मैंने इस बीच यार न्यू डायमंड का एक पिकेक्स बनाया जिसपे एन्चेंट चढ़ाने के कारण यार मेरा एक्सपी कम हो चुका है। और ये देखो भाई सिल्क टच और अनब्रेकिंग 3 मैंने चढ़ा लिया है अपने पिकेक्स पे, और इसके कारण ये देखो सारे के सारे मेरे को ब्लॉक मिल रहे हैं यार, डायमंड का ब्लॉक और ये बाकी। लेकिन आपको मैं मिलाता हूँ यार तीसरे विलेजर से, ये देखो भाई सोया पड़ा है, लेकिन भाई हमारे पास यहाँ पे 2 विलेजर है, तो मैं आराम से यार इन दोनों विलेजर की सहायता से मैं बहुत सारा विलेजर बना सकता हूँ। और ये भाई साहब अभी सोया नहीं, अबे रात हो गई सो जा, लेकिन कोई नहीं मैं ही सो जाता हूँ ना, तो भाई मैं सो गया। और अब मेरे को यार इस विलेजर का जनसंख्या बढ़ाने के लिए मेरे को चाहिए होगा बहुत सारा बेड ब्रेड, और भाई बेड बनाने के लिए मेरे को चाहिए बहुत सारा उल जो मेरे फार्म में मिलेगा। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर ना अपना डेजर्ट वाला 1 ब्लॉक माइन करूँगा, और उससे ना मेरे को भाई मिलेगा बहुत सारा सैंड, और मैं उससे बनाने वाला हूँ ग्लास। हाँ ग्लास मेरे को चाहिए, क्योंकि भाई अभी तो मैं ब्रीडिंग कराऊँगा इन विलेजर का, और बहुत सारे विलेजर हो जाएंगे ना, तो भाई ट्रेडिंग हॉल में यार विलेजर सबसे ट्रेडिंग करेंगे, और अपना मॉडर्न ट्रेडिंग हॉल बनाने का सोच रहा हूँ। मॉडर्न हाउस बनाऊँ या मॉडर्न ट्रेडिंग हॉल, कौन सा सही रहेगा यार कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। यहाँ से मैंने यार सैंड को पिघला लिया है बहुत सारा, और भाई इधर से ना ये डिजर्ट वाला 1 ब्लॉक है, और इधर से मेरे को सीमेंट पाउडर आसानी से मिल जाता है, और मैं सोच रहा हूँ यार सीमेंट पाउडर मिल ही जाता है तो क्यों नहीं यार अपना मॉडर्न ट्रेडिंग हॉल बनाया जाए। और अभी आप लोग कमेंट करो यार मैं क्या बनाऊँ, और मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ अभी व्हाइट कंक्रीट पाउडर, हाँ यार मैं जिसको सीमेंट पाउडर बोला हूँ। और भाई मेरे पास ग्रेवल है सैंड है, तो यार ये तो इजीली बन जाएंगे, और डाई करने के लिए मेरे पास बोन व्हील भी है, तो ये बन गया यार बहुत सारा। और बेड बनाने के लिए चाहिए बहुत सारा उल जो मैं लेने वाला हूँ अपने प्यारे प्यारे भेड़ से, तो उल दे दे, अबे अबे राइट क्लिक करना है मेरे को, और लो और आ गया उल बहुत सारा। तो यहाँ पे मैंने भाई बहुत सारा उल कलेक्ट कर लिया है, और अब चलते यार फटाफट बेड बनाते हैं। लेकिन यार बेड बनाने से पहले भाई ब्रीडिंग कराने के लिए मेरे को ना बहुत सारा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और इधर उधर का यार ये सब काटो, और मैं इधर के साइड लगा देता हूँ बहुत सारा ग्लास, और इधर के साइड ही ब्रीडिंग करेंगे विलेजर, और उसका जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो भाई ट्रेडिंग हॉल में उसको डालेंगे। और भाई मेरे को बेड बनाना था, तो यार मैं इग्नोर क्यों कर रहा हूँ, फटाफट यार बेड बना लेते हैं। और यहाँ पे हमारा बेड बनने जा रहा है 7, तो भाई फटाफट यार इसको बना लेते हैं। और वैसे भी मेरे इन्वेंट्री में 1 है और 2 विलेजर सोए हुए हैं, तो अब हमारे वर्ल्ड में 1 ब्लॉक वर्ल्ड में 10 विलेजर होने वाले हैं, और इस बेड को फटाफट लगाएंगे। तो मैंने यार इधर कर दिया है बेड को प्लेस, लेकिन यार ब्रीडिंग कराने के लिए हमको चाहिए होगा ब्रेड जो मैं विलेजर को दूंगा, और वो खाएंगे और ब्रीडिंग करेंगे, तो मेरे को फटाफट यार चलते हैं अपने फार्म में और वहाँ से लाते बहुत सारा ब्रेड बनाकर। और मेरे फार्म में यार अभी तक यार बीट बहुत बड़ा बड़ा हो चुका होगा, और मैंने यार पोटैटो भी लगाया है जो आपको नहीं दिखाया है, और वो भी बहुत सारा उग चुका है। लेकिन इधर की साइड मेरे पास वीट नहीं है, अरे यार कोई नहीं इसमें है वीट नहीं है,
भाई ब्रेड बनाना है मेरे को। लेकिन कोई नहीं यार दर्शकों, और इधर के साइड में काटने वाला हूँ अपना वीट का फसल और ये आलू का फसल भी। और भाई साहब ट्रेडर क्यों परे बीच में हमारे, और इसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ। और अबे यार इधर का लकड़ी ही कट गया है। कोई नहीं यार, इतना फास्ट मैं काट रहा था, लेकिन यार मेरे को खेत में ये काटते खुटने में बहुत मज़ा आता है यार, जो भी कहो। और ये स्लैब को यहाँ पे प्लेस करो और फिर अपने फसल को काट। और मैंने काट कर लगा दिया ये वापस। और भाई सामान रखने की बारी, तो फटाफट यार इसको डालो। और अब बारी है विलेजर के लिए ब्रेड बनाना। तो यहाँ पे मैंने 7 ब्रेड बना लिया है, लेकिन 7 से काम नहीं चलने वाला, इसीलिए मैं इस 1 ब्लॉक को माइन करने वाला हूँ। और भाई इधर से मेरे को हेरल्स भी मिल रहे हैं, जो भाई मेरे को खाने पीने में काम देगा। और विलेजर का खाना ही बनाना है मेरे को ना। तो यहाँ पे मैंने यार 25 ब्रेड बना लिए है। और अब चलते यार ब्रीडिंग कराएंगे। और पहले तो विलेजर सबको यार घर में बंद है, उसको आज़ाद करना है मेरे को। और भाई विलेजर मैं आ रहा हूँ। और मेरे को कुछ बुक सेल्फ मिले थे, तो फटाफट यार इस चेस्ट में रख देते। और अब बारी है विलेजर सबको बुलाने का बाहर। और भाई साहब यहाँ का डट हटाओ, और भैया तुम आ जाओ बाहर, टेंशन नहीं लो, अब ट्रेडिंग करेंगे तुमसे और तुम्हारे बहुत सारे बच्चे भी होंगे। और अब बारी है यार इस विलेजर को आज़ाद करने की। आज़ाद नहीं यार, ये तो खुद भाई आज़ाद है। इसको मैंने यार एक कमरे में थोड़ी देर के लिए बंद किया था। और अब भाई साहब अब तुमसे यार ट्रेड ही करेंगे यार, खरीद बेच, और इसमें यार तुम्हारा ही फायदा होगा। और ये लो ब्रेड खाओ और बच्चे करो। और यार तुम खा लिया, और ये लो भाई तू भी खा ले। और जल्दी जल्दी, अबे भाई यहाँ पे खा रहा क्यों है यार, जाना। अबे लगता है यार ये दोनों पास वाला वेट डिटेक्ट कर रहे, इसी कारण यार ये दोनों एक साथ नहीं आ रहे। रुको रुको मेरे को सब वेट तोड़ना पड़ेगा। भाई मैंने परफेक्टली फिर से वेट लगाया, और ये देखो भाई एक बच्चा वेट हुआ है। और भाई ये बड़ा होगा और मैं इससे ट्रेड करूँगा। और लो और खाओ, और भाई और भी ब्रीड करो। और भाई साहब ऐसे ही ब्रीड करके जनसंख्या अपना बढ़ाओ यार। भाई हमारा काम सफल हुआ, और भाई ज़ॉम्बी विलेजर से मैंने विलेजर बनाया। और भाई उससे विलेजर होकर भाई बहुत सारा बच्चे ब्रीड कर रहे हैं, और मैं उससे ट्रेड करूंगा। लेकिन ये बच्चा बहुत शैतान है यार। और भाई विलेजर का बच्चा यार शुरू में ना बच्चा रहता है तो इतना शैतानी करता है, लेकिन बड़ा हो जाता है तो थोड़ा यार ऐसे ही शांत रहता है। और ये लो ब्रीड खाओ और ब्रीड करो। तो भाई आज की गेम प्ले वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। और बताना मैं ट्रेडिंग हॉल मॉडर्न वाला बनाऊँ या लकड़ी का बनाऊँ, कमेंट करके जरूर बताना। और भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक कर दो।